हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और हमारे एक व्यूअर ने सवाल किया है कि सर, इस तरह से जैसे एक वीडियो थी मेरी फाइनेंशियल ईयर को सही करने को लेकर के, तो उन्होंने कहा था कि इस तरह से हम फाइनेंशियल ईयर तो सही कर लेंगे लेकिन हमारा डेटा भी लॉस हो सकता है। तो देखिए, डेटा तो लॉस होगा ही होगा, इसके लिए जरूरी है कि आप बैकअप रख लीजिए। कहाँ पर बैकअप रखेंगे? बैकअप रखने के लिए आपको क्या करना है कि खाली ऑल्ट के साथ वाई प्रेस करना है, ठीक है? शॉर्टकट की के थ्रू बता रहा हूँ, ऑल्ट के साथ वाई प्रेस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑल्ट के साथ वाई प्रेस कर देते हैं। तो प्रेस किया तो देखिए ना, ये बैकअप वाली विंडो ओपन हो गई है। तो यहाँ देखिए बैकअप दिया हुआ है, रिस्टोर दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ से आप बैकअप ले सकते हैं डेटा। लीजिए किसी डेटा का हमको बैकअप रखना है, तो कैसे बैकअप रखेंगे, देखिए यहाँ पर बैकअप पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे बैकअप पर तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो बैकअप रखना कहाँ पर, देखिए डेस्टिनेशन पाथ, डेस्टिनेशन मैंने गंतव्य कहाँ पर लेके जाना है। तो यहाँ पे सी ड्राइव में रखना है कि डी ड्राइव में रखना है? तो मान लीजिए अगर आपको डी ड्राइव में रखना हो तो यहाँ पर आप डी कर सकते हैं, ठीक है? डी लिख करके कोलन लगा दीजिए, ठीक है? ठीक है, तो इसका बैकअप हम ले लेंगे और ये इसका भी बैकअप लेना चाहते हैं, ठीक है? और एंड ऑफ लिस्ट करते हैं हम। अब ये देखिए इसका बैकअप हमने ले लिया, ठीक है? तो इस तरीके से आप बैकअप ले सकते हैं। देखिए फाइनेंशियल ईयर का क्या चक्कर है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एंट्री पास करनी है, बैकअप तो आपने रख लिया है, अब एंट्री पास कीजिए। तो जैसे मान लीजिए परचेज वाउचर में पास करना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप एंट्री पास कर रहे हैं, ये देखिए, और यहाँ पे आप डेट चेंज करेंगे। जैसा कीबोर्ड से F2 प्रेस कीजिए तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, 1/7/2020 करना है, ठीक है? तो यहाँ देखिए 1/7/2020 करेंगे तो ये होगा नहीं, क्योंकि हमने फाइनेंशियल ईयर अलग रखा है। तो अब फाइनेंशियल ईयर आप चेंज कर डालिए यहाँ से, तो अल्ट के साथ F2 प्रेस कीजिए। तो अल्ट F2 प्रेस किया मैंने और यहाँ पर कर देता हूँ 1/4/2020 to 31/3/2021 कर देंगे। यहाँ पर इस तरीके से आकर के साइड में इसको 20 को 21 बना देंगे, ये हो गया। एंटर प्रेस किया, अब ये देखिए ये हमारा काम हो गया। अब यहाँ पर जो भी एंट्री पास करेंगे आप, तो आप आसानी के साथ पास कर पाएंगे। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी, ठीक है? अगली कंडीशन क्या बन रही है कि जैसे मान लीजिए कि कंपनी बनाते ही वक्त आपने जो है फाइनेंशियल ईयर का जो स्टार्टिंग का डेट था वो आपने कुछ अलग रख दिया हो, तब क्या करेंगे? तो चलेंगे कहां, कंपनी पर F3 प्रेस करेंगे तो सीधा कहां आ जाएंगे, कंपनी वाली विंडो पे आ जाएंगे। तो ABC ट्रेडर्स में ही हमको चेंज करना है, ठीक है? तो यहां पर आ जाएंगे कहां, अल्टर कंपनी पर, अल्टर में ही जाके हम इसको चेंज करेंगे। अब यहां पर देखिए 2019 है, तो यहां पर क्या करेंगे, 1/4/2020 कर देंगे, ठीक है? तो ये बोलेगा ना कि देखिए डाटा एंटर्ड बिफोर दिस डेट विल बी लॉस्ट, तो मतलब आपका डेटा जा सकता है। अगर आप इसमें डेटा एंटर करेंगे तो पुराना डेटा लॉस हो सकता है, तो इसके लिए तो आपने बैकअप तो रख ही लिया है। तो आप बैकअप रख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो जब बैकअप रख लिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो इस तरीके से आप बैकअप रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप कि ये पूरी वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।